में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आपके आवेदन के फॉर्म चालू हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस दिखाई जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, वो है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो वो, उसके साथ में बैंक डायरी की आवश्यकता होगी, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होगी। इन सभी दस्तावेज के अलावा आपके जनाधार की आवश्यकता होगी। जनाधार में आपके मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको ईमित्र के डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर यूटिलिटी टाइप सर्विस में ओके करना है, यहाँ पर DCE लिखना है। उसके बाद में आप कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। आप डायरेक्ट भी इस साइट पर आ सकते हैं बिना ईमित्र के। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ईमित्र का जो टोकन है वो ईमित्र वॉलेट से कट जाएगा, वहाँ पर आपको खुद पे करना होगा। आवेदन के लिए राइट करेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने ज़िले को चयन करना है, उसके बाद में अपने कॉलेज का नाम चयन करना है। तो आप जिस भी कॉलेज का चयन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस करना है। उसके बाद में आपको अपने जनाधार नंबर यहां पर लगाने। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपके पास जनाधार नंबर नहीं होगा, उसका दूसरा प्रोसेस रहेगा, गेट डिटेल पर क्लिक करना है। जनाधार की टोटल फैमिली आ जाएगी, जिस भी मेंबर को एडमिशन लेना है उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उस मेंबर के जो भी जनाधार में नंबर लिंक होंगे उस पर एक OTP नंबर जाएगा, वो नंबर आपको यहां पर दर्ज करना होगा। तो हम मेंबर चयन कर लेते हैं, हमारा जो OTP है वो चला गया है। हमें जो OTP अपने मोबाइल पर जनाधार का प्राप्त हुआ है वो वापस से यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आप देखें तो जनाधार कार्ड होना आपके पास अनिवार्य है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप जनाधार से ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने 12th का जो बोर्ड है वो चयन कर लेना। RBSE, अदर CBSE सभी टाइप के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हम RBSE से अप्लाई करें तो RBSE यहाँ कर देते हैं। ऊपर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसके नेम का पहला लेटर लिखना है, फादर नेम का पहला लेटर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग का आपको ईयर चयन करना है, उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको आपको लिखना है और गेट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उसकी जितनी भी जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उसका रिजल्ट पूरा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, पूरा सिंक होकर यहाँ पर आ चुका है। अगर ये चीज़ें सही है तो यस पर आपको क्लिक करना है। आपके नाम, फादर नेम, सब कुछ ऑटोमेटिकली, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, क्योंकि मोबाइल नंबर जिस पर OTP मिला है वो आपका यहाँ ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा। बाकी आपका नाम सब कुछ ऑटोमेटिकली, मदर नेम यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, जेंडर आपका ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, वो आपके जो भी मार्कशीट और जनाधार है उससे ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ भी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, अपनी कैटेगरी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैटेगरी में सिर्फ आपकी जो कास्ट है वो आपको लिखनी होगी, आपको अपने आधार नंबर लिखने हैं, यहाँ पर आपको कास्ट का नाम लिखना है, उसके बाद में दिव्यांग है तो यस करना है, अन्यथा नो। यहाँ पर अगर आप यस नो जो भी ऑप्शन है असम के है वो वाले सारे ऑप्शन BPL फैमिली से है नहीं है, अगर आप इनमें से यस करते हैं, जिस चीज़ में आप हैं वो यस कर सकते हैं, बाकी आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको पढ़ लेना है, अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। यहाँ पर आप थोड़ी सी नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इंडियन का सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसके बाद में आपका बोनाफाइड स्टेट पूछा जाएगा जिसमें आप राजस्थान चयन करेंगे। अगर आप अदर से भरते हैं तो आपको अदर चयन करना है, यहाँ पर हम राजस्थान को यस कर देते हैं। यहाँ पर हमें हमारा जो एड्रेस है वो लिखना है, एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड की सहायता लेंगे, आधार कार्ड में देख कर आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में सिटी और उसके बाद में पिन कोड यहाँ पर लिख देंगे और फिर कॉपी पर क्लिक करेंगे और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका एड्रेस अलग है तो आप अलग भर सकते हैं, बाकी आप कॉपी पर क्लिक करके इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें तो आगे का जो ऑप्शन है बोनस मार्क के लिए क्लेम कर रहे हैं तो हम नो करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर 10th की जो डिटेल है वो हमें भरनी, 12th की ऑटोमेटिक आ जाती है। 12th का सिर्फ आपको रोल नंबर और ये जो नॉर्मल स्कूल का नाम है वो भरना होता है, बाकी सारी जानकारी अपने आप आ जाती है। यहाँ पर हम 10th के रोल नंबर भर चुके हैं, यहाँ पर हमें जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। 10th हमने कौन से साल में पास की है वो हमें यहाँ पर लिखनी है, तो हमने जो 10th है वो कौन से ईयर में पास की है वो पासिंग ईयर यहाँ से चयन कर लेना है। उसके बाद में टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको चयन करना है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो परसेंटेज आ जाएंगे यहाँ पर पास कर देंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपके स्कूल का नाम लिखना है, बाकी सारी जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है, बाकी चीज़ें आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, यहाँ पर हम पास कर देते हैं।
यहाँ पर हमारे जो ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, तो हमने जो भी सब्जेक्ट चयन किए थे वो सारे यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमने ट्वेल्थ पास किए उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया या हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सारी जानकारी यहाँ पर हम भर देते हैं। उसके बाद में आप देखें आपके कॉलेज का नाम ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने फर्स्ट में सेलेक्ट किया था, हम BA पार्ट वन कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाने हैं, यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके 5 कॉम्बिनेशन बनाने हैं और उनकी लिस्ट को नंबर 1 पर आप जो रखेंगे वो आपका पहला प्रेफरेंस माना जाएगा। ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑफर्ड सब्जेक्ट, यहाँ पर आप देखें 1, 2, 3, 4 आपको जो भी सही लगे उस टाइप में आपको यहाँ पर चयन कर लेना है जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं। अगर उन 5 में से भी नहीं मिलता कोई सब्जेक्ट तो उसके लिए ये आपको चयन करना होता है। यहाँ पर भी आपको नंबरिंग कर लेनी है, जो भी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है उसे 1 और लास्ट वाले को 8, 9 जो भी आपके मैक्सिमम हो उस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ भर देना है। तो ये सारी जानकारी आप आसानी से भर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो आपको अपने जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसमें आप देखें गार्डियन का भर सकते हैं, पेरेंट्स का भर सकते हैं। पेरेंट्स में आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, उनका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, उनके मोबाइल नंबर लिखने हैं। और उसके बाद में आप फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन खाली रख सकते हैं। एनुअल इनकम कितनी है, जो आय प्रमाण पत्र है उसके माध्यम से जांच की जाएगी। तो आपके पास अगर आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी आपको बनवा लेना है, पर फॉर्म भरते टाइम आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है। आप जो भी इनकम है आपकी फैमिली की वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर यस नो का ऑप्शन है तो ये सारी चीज़ें आप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो इंश्योरेंस किसके नाम पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर कर देंगे। उसके बाद में कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे NCC कैंप के, तो वो आप कौन सी प्रायोरिटी चाहते हैं वो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद में और भी यस नो के कुछ ऑप्शन है वो आप अपने हिसाब से भर लेंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में पार्ट करना चाहते हैं, बस पास के लिए कुछ आवेदन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम इनमें से कुछ भी नहीं चाहते नो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल लिखनी है, यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करने हैं, बैंक की डायरी की फ्रंट की जो डायरी है वो अपलोड करनी है और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखने हैं, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, ब्रांच चयन करनी है। उसके बाद में आपका जो IFSC कोड है वो आपको लिखना है, आपका कौन सा बैंक है वो आपको यहाँ पर चयन करना है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं और सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप दी गई साइज़ में JPEG में जब यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपके एक नंबर जनरेट एप्लीकेशन हो जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, आपके अगर कस्टमर है तो कस्टमर दे देना है। तो इस तरह से आप भी आवेदन कर सकते हैं।